हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे मी फैक्ट चैनल में। फैक्ट नंबर वन, KGF फुल फॉर्म क्या है और उसके पीछे की सच्चाई। आप लोग ने KGF के बारे में तो जरूर सुना होगा और शायद आपने KGF मूवी भी देखी होगी। अगर आपने KGF मूवी अच्छी तरह से देखी है तो थोड़ी बहुत स्टोरी पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम आज बताएंगे KGF क्या है और ये कहां पर स्थित है। KGF का फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम KGF क्यों पड़ा, और साथ ही यह भी बताएंगे कि KGF के पीछे की सच्चाई क्या है। बहुत से लोग KGF को सिर्फ KGF मूवी के नाम से ही जानते हैं। बहुत लोगों को तो यह भी पता नहीं कि KGF सिर्फ रील में नहीं, रियल लाइफ में भी है। फैक्ट नंबर टू, KGF का फुल फॉर्म यानी इसका पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड है, और KGF एक ऐसी जगह है जहां पर सन 1900 से लेकर 2001 तक गोल्ड की माइनिंग की जाती थी। यह जगह कर्नाटका के कोलार जिले में स्थित है। फैक्ट नंबर थ्री, KGF के बारे में संपूर्ण जानकारी। कर्नाटका के कोलार जिले में स्थित KGF सन 1900 से लेकर 2001 तक 800 टन सोने निकाला जा चुका है, और 2001 के बाद यह माइनिंग बंद कर दी गई थी। आज के समय में उस कोलार जिले में 170,000 लोगों की आबादी है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया है, और उन्हें यहाँ से जो कुछ भी मिलता वह एक एक कर के अपने देश में उठा ले जाते थे, और यही चीज KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड के साथ भी हुई थी। फैक्ट नंबर फोर, लेकिन अब यह सवाल आता है कि KGF में सोना था तो अंग्रेजों को कैसे पता चला। दरअसल 1864 में मिसाल अफवेला को पता चला कि कोलार में बहुत सारा सोना है, और इसके बाद उन्होंने यह जानकारी अपने बड़े अधिकारियों को बताया और उन्हें सोने की माइनिंग के लिए एक कंपनी लगा दी। उस कंपनी ने अपना माइनिंग का काम शुरू भी कर दिया, और उसके बाद डॉलन रॉबिन्स से यह माइनिंग का प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, जिससे गोल्ड की माइनिंग और तेज़ी से होने लगी। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है कि सोने की अवस्था वहाँ किस आकार में पाया जाता है। लेकिन जो सोना था वहाँ किसी आकार या किसी ठोस अवस्था में नहीं था, यहाँ पर तो गोल्ड था वहाँ चूरे के रूप में मिट्टी से मिला हुआ, इसलिए इसे बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लेना पड़ा। अब यहाँ गोल्ड माइनिंग के लिए बड़ी मशीनों के कारण एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहाँ बिजली थी, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए ज़्यादा बिजली की आवश्यकता थी, मगर भारत में उस समय बिजली नहीं थी। फैक्ट नंबर सिक्स, इसलिए ही अंग्रेजों ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया था, जिससे सिवाना समुद्र के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम किया गया, जिसकी वजह से भारत एशिया के अंदर पहली ऐसी कंट्री बन गई थी जिसमें हाइड्रो क्लीनिक सिटी प्लांट इस्तेमाल किया था और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था। फैक्ट नंबर सेवन, साथ साथ जब बिजली लगी तो इसी वजह से इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री बन गई जिसने जापान के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी, और आज के समय में इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे नए नए फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल में सेट कीजिए, ताकि हमारे न्यू अपडेट आपको पता चल सके।